पहली खबर है यूपी के जिला देवरिया से, जहां किसान गोष्ठी का किया गया आयोजन। जी हां, खबर है यूपी के जिला देवरिया से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की क्षेत्र के एक ऐसे जनपद की बात करते हैं जो अपना एक अलग ही पहचान बनाए। वह जनपद देवरिया है, जो देव की नगरी के रूप में भी पुकारा जाता है। इस जनपद थाना के तरकुलवा के ग्राम पंचायत कौला मुंडेरा में कृषि विभाग से आए पदाधिकारी ने बीटीएम सुशील कुमार सिंह व एटीएम देवेंद्र सिंह, एटीएम मुन्ना प्रसाद विश्वकर्मा ने किसानों की गोष्ठी लगाकर एक मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को जानकारी दी और साथ ही साथ पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत लाभार्थी को भी जानकारी दी। देखिए देवरिया से चंद्रभूषण पांडे की रिपोर्ट। महिला इसमें देवरिया जनपद अंतराल पथरदेवा विकास खंड मिशन ऑन एग्रीकल्चर आत्मारिक योजना के अंतर्गत छः दिवसीय फार्मा स्कूल प्रशिक्षण क्रमशवा कौला मुंडेरा में चंद्रभूषण पांडे भगवती पांडे के यहाँ कृषि विभाग से आए कुछ उच्च अधिकारी एटीएम बीटीएम इत्यादि द्वारा जो है कृषक को समझाया जा रहा है तथा पीएम सुविधा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत ऐसे कृषक हैं जिनकी समस्या है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उन लोगों का जो है पीएम का पैसा नहीं आ रहा है। इसके बारे में हमारे कृषि विभाग से आए कुछ उच्च अधिकारी द्वारा भी बताया जाएगा। फिर आगे हम बीटीएम साहब से कुछ बात कर रहे हैं इस योजना के बारे में, थोड़ा सा साहब बताएं। सबमिशन आने योजना अंतर्गत आप यहाँ से जो है एक हेक्टेयर का जो है गेहूँ का प्रदर्शन कराया गया है। एक हेक्टेयर के गेहूँ के प्रदर्शन में किसान को बीज हम निःशुल्क देते हैं और किसान को बताते हैं कि आप टिड्डिल या जीरो सीधे से गेहूँ की लाइन से बुआई करें और इससे आपकी लागत कम होगी, बीज आपका कम लगेगा, उर्वरक कम लगेगा और बुआई लाइन से होगी तो पौधे का विकास होगा। अगर हम छिटकवा बुआई करेंगे तो गेहूँ का घना हो जाएगा और उसमें पौधे का विकास नहीं होगा, उसको उसमें धूप मिलेगा न रोशनी मिलेगी और न हवा मिलेगी तो पौधे का विकास नहीं होगा। तो किसानों से हम लोग यही बताते हैं कि आप लाइन से बुआई करें, इसमें आपकी लागत कम होगी और आपकी पैदावार ज्यादा होगी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान की लागत कम हो और उसकी आमदनी ज़्यादा हो, किसान का जीवन बने, इसके लिए हम लोग ये प्रोडक्शन करके किसान को उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसे अभी यहाँ बहुत कृषक आए हैं, कृषक की समस्या है कि मक्का लोग फसल होती है, मक्का में कुछ कीटाणु लग जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसमें सर? दोस्तों मक्का के लिए किसान भाइयों को हम सबसे बता रहे, कोई भी बीज अगर आप बुआई करते हैं तो बीज शोधन अवश्य करें और खेत में जब आप देखें कि अगर मक्का आप लगाते हैं तो उसके पत्तियों में विशेष रूप से उसके बीच में जो गुफा वाला होता है हिस्सा उसमें कीड़े लगते हैं तो उसे पोर्क या फिर अडान का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उसमें डालें और उसके बाद नहीं होता है तो लिक्विड दवा जो आपकी आती है अब उसका मूल को जो खास है और तो उस दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर इच्छुक कृषक जो है और कृषक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आपसे, जैसे हमारे कौला में देना पड़ेगा, ये दूसरे हाँ कृषि के बारे में कुछ जानकारी कृषि संबंधित जो व्यवस्था गोदाम पर जो होता है उसका किसानों को जो है उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ और दवा आपने बताया फिलहाल में दवा अगर स्टॉक पर फुल हो और स्टॉक अगर हमारे वहाँ कोई विभागीय कर्मचारी नहीं दे रहे तब तो हाँ तो वहाँ जाने पता पड़ता है। हाँ तो वैसे तो विभाग की कमी है, प्रशासन की कमी है, अगर गोदाम पर रहेगा तब तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी हुआ था कुछ पहले जो है मृदा परीक्षण में हमारे ग्राम सभा कौला मुंडेरा में सुबह यादव जी आए हैं, इन्होंने प्रश्न किया कि नहीं जेठ के महीने में हमारे यहाँ कुछ मृदा परीक्षण हुआ था जिसमें कुछ अधिकारी आए थे जिसका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला, कब हुआ था बताएं? दो साल पहले हुआ था और हम लोग गर्मी में ज़्यादा हर खेत से मिट्टी ला करके दिए और उसका रिपोर्ट आप करिए, हम लोगों का अभी नहीं मिला। हो सकता है उसका रिपोर्ट किस कारण नहीं मिला, आगे हम इसके बारे में सोचेंगे फिर आख्या लेंगे कि भाई क्यों नहीं मिला। ये सभी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत ऐसे लोगों की प्रार्थना पत्र भी दिए और प्रार्थना पत्र के देने के बाद जैसे कहना भैया अपना नाम पकड़ा हो जाए संतोष। हाँ बड़ा प्रार्थना पत्र
वाले का भी नहीं मिला। चलिए सुचारू रूप से हम इस योजना के अंतर्गत सभी लोग से वार्तालाप करेंगे, इस मूल समस्या का निस्तारण हो। जैसे हमारे यहाँ से धनंजय गौतम नाम हमारा, और पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिलता है शुरू से ही, क्योंकि जो ये कार्यक्रम योजना चलते फार्म जमा किया गया था केंद्र पर, और उस फार्म का पता ही नहीं चला कि फार्म कहाँ है। चलिए हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी का अभी हम यहाँ उच्च अधिकारी आए हैं, इनसे वार्तालाप करके बता रहे हैं कि जो इसे जो लिस्ट जारी हुआ था अभी कुछ 19 तारीख को लिस्ट जारी हुआ था, जिस समय कुछ यहाँ से अधिकारी द्वारा हमारे पास सूचना मिला, कैंप हम लगवाए, कैंप लगा करके बहुत ऐसे प्रार्थना दी जिसका निस्तारण तत्काल एक हफ्ता के अंदर हो गया। जैसे अभी इनका नाम है, क्या नाम है, एक रुस्काना नाम के हैं जो है, इनका फार्म हम ही जमा किए थे, इनका पेमेंट आ गया, इनका सम्मान निधि किसी का किसी योजना के अंतर्गत सम्मान निधि का पैसा मिला है। जैसे बहुत ऐसे लोग हैं, कुछ कमी हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि इस कमी का निस्तारण कराने के उच्च अधिकारी हमारे उपस्थित हैं, इसका शीघ्र से निस्तारण करा करके किसानों की सहायता। आप प्रधानमंत्री योजना के बारे में कुछ और बोलो, पीएम किसान वाला योजना के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, हम जानकारी दे देते हैं।